नमस्कार बंधुओं, मैं हकीम नवीन दत्ता आपको अपने YouTube चैनल बाबा हकीम ड्रामा वाले में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय की श्रृंखला हम बना रहे हैं। उसी श्रृंखला में इस धारावाहिक के अंतर्गत भाग 3 का निर्माण है, जो हमारा इस धारावाहिक का विषय है वो है बांधिया यानी बांझपन की चिकित्सा नामक तृतीय भाग यानी तीसरे भाग का हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। बंधुओं, कल हमने बांधिया रोग कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है और 6 कारणों से होता है। उन 6 कारणों के हमने नाम बताए आपको। आज उन्हीं 6 कारणों को हम और आगे विस्तार पर ले जाएंगे। इससे पूर्व के मैं अपने विषय का आरंभ करूं, सभी पुराने मित्रों से मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें। जो श्रोतागण मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोने में बेल आइकन वाली घंटी को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सम्मुख उपस्थित हो। तो बंधुओं, आपका समय न लेते हुए हम फूल दोष यानी फ्लोपियन ट्यूब में जितनी प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, आमतौर पर हम जिसको बच्चेदानी कहते हैं, उसके रोगों पर हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, फूल दोष होने के अनेक कारण हैं, परंतु प्रमुख 4 कारण हैं। वो 4 कारण कौन से हैं, कृपया ध्यानपूर्वक देखिएगा। बंधुओं, फूल दोष के जो हैं 4 कारणों में प्रमुख कारण है कि छोटी उम्र में शादी यानी बाल विवाह, स्त्री की आयु छोटी हो और पुरुष की जो है आयु वो बड़ी हो, बड़े उम्र वाले मर्द के साथ या पुरुष के साथ छोटी उम्र की बच्ची से कह सकते हैं अब, क्योंकि बाल विवाह बच्ची होता है, छोटी उम्र के नाबालिग स्त्री से शादी यानी बचपन की शादी प्रमुख कारण होता है। बंधुओं, भारत सरकार ने इस पे पाबंदी भी लगाई हुई है। छोटी, जब तक हमारे वेद भी इस चीज़ की अनुमति देते हैं और सभी ग्रंथ इस बात का पुष्टि करते हैं कि कम से कम शादी के लिए, और भारत सरकार हमारे संविधान के अनुसार भी स्त्री की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष कम से कम शादी की होनी चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक देखें। दूसरा बंधुओं, इसका कारण है कि पति पत्नी के अंदर मोहब्बत यानी प्रेम ना होना, ये भी एक कारण है। और चौथा कारण है असमय और अप्राकृतिक तरह से मैथुन करना, मैथुन का भी समय है। और एक विधान है प्राकृतिक प्रकार से मैथुन करना, असमय मैथुन करना और अत्यधिक मैथुन करना, तीसरा ये फूल दोष का महत्वपूर्ण कारण होता है। बंधुओं, इस चीज को आप ध्यानपूर्वक देखें। बंधुओं, तीसरी वीडियो में मैं फूल दोष कह रहा हूं, लेकिन इस फूल दोष की आयुर्वेद में इसको फूल दोष कहते हैं, इसकी परीक्षा क्या है, कैसे पता चलेगा कि स्त्री को फूल दोष है। आयुर्वेद में ऐसा कोई संविधान नहीं कि आप नाड़ी पकड़ के इस दोष की परीक्षा कर सको। इसको स्पेसिफिक कंडीशंस में यानी खास स्थिति में इसकी पहचान की जाती है। वो स्थिति क्या है, कृपया है ध्यान से सुनिए। इस तरह की बात आपको कोई नहीं बताएगा और कोई भी यूट्यूबर आपको इतने विस्तार पूर्वक आपको कदाचित ज्ञान प्रदान नहीं करेगा। अब यह ध्यान पूर्वक सुनने का विषय है, ध्यान से सुनिएगा। बंधुओं, इसकी पहचान पति और पत्नी दोनों कर सकते हैं जब ऋतु स्नान के बाद आफ्टर मंसुरेशन एक जोड़ा सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, उसके बाद पति उससे पूछे, कुछ कारण पूछेगा, उससे पता चलता है कि फूल दोष, 3 प्रकार के फूल दोषों में कौन सा दोष है और कहां पर है, ये थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप होने के बाद पति
और पत्नी जब मैथुन करते हैं तो पति अपने पति से पूछे कि उसके कौन से दर्द में दर्द है। यदि अगर स्त्री के कमर में दर्द हो तो समझ लो कि फूल दोष में मांस बढ़ गया है। जो पीछे मैंने आपको कारण है ना, उनमें एक कारण यही है कि मांस का बढ़ जाना। अगर वह कहे कि उसके शरीर कांपता है, अगर स्त्री कहे तो शरीर कांपता है, तो समझ लेना चाहिए कि फूल दोष जो है वो वायु विकार से है, वायु बन गई है, ये उसका एक दूसरा कारण होगा। तीसरा जो कारण है उसको भी ध्यान से सुनिएगा। वही छः हम आपको प्रकार जो बता रहे थे, उसके बाद अगर स्त्री कहे कि मेरी पिंडलियों में दर्द है, तो समझ लेना चाहिए कि फूल में कीले पड़ गए हैं, ये भी एक प्रमुख कारण है मित्रों। चौथा कारण, पांचवा कारण की पहचान ध्यान से सुनिए। अगर बंदोस्त स्त्री कहे कि मेरी छाती में दर्द है, तो पांचवा कारण समझ लेना चाहिए कि वायु का वेग बढ़ गया है। इस चीज़ को भी ध्यानपूर्वक देखिए। अगर बंदोस्त स्त्री कहे कि उसके सर में दर्द है, तो समझ लीजिएगा कि फूल जल गया है, अग्नि का वेग तीव्र हो गया है। इस चीज़ को भी ध्यानपूर्वक देखिए बंधुओ। अगर मित्रों स्त्री कहे कि मेरी जांघों में दर्द है, तो समझ लीजिए कि फूल उलट गया है। वही छह कारण जो मैंने आपको पीछे बताए, और अब इस वीडियो में मैंने उन छह कारणों की आपको परीक्षा बता दी और फूल रोग होने के तीन प्रमुख जो हैं वो कारण भी बता दिए। बंधुओ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलेंगे भाग 4 में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।